जानिए मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में दिनेश लाल यादव निरहुआ किसके साथ जाएंगे। तो आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ सहित मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में तकरीबन 6000 गेस्ट को बुलाया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के सभी करीबी देशों को बुलाया गया है, सभी मित्र देशों को बुलाया गया है सिवाय पाकिस्तान के। जी हाँ, पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया है और इससे पाकिस्तान काफ़ी बौखलाया हुआ भी है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता न देने के पीछे पाकिस्तान को रीज़न बताया गया है उनकी आतंकवादी प्रवृत्तियों को। खैर, ये तो रही पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की कुछ जानकारियाँ, लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ किसके साथ जाएंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने भाई प्रवेश लाल यादव, सांसद मनोज तिवारी, सांसद रवि किशन और पवन सिंह के साथ जाएंगे। जी हाँ, इतने लोगों को न्योता दिया गया है और बाकायदा भोजपुरी जगत से इतने लोग जाएंगे क्योंकि इन लोगों का काफ़ी सराहनीय योगदान है। साथ ही साथ शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी शपथ लेंगे और इस यादगार पल को अपने आप में यादगार बनाने के लिए हमारे भोजपुरिया सितारे वहां मौजूद होंगे। आपको यहां ये बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पहन के क्या जाएंगे, तो वो पहन कर जाएंगे कुर्ता पैजामा। जी हाँ, जो नेताओं की वेशभूषा रहती है पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में दिनेश लाल यादव निरहुआ इस कदर जाएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।